हम यहाँ हैं। आईना हमरे नाक के पास ले जाओ। सासू माँ, इनकी तो आंखें बंद है, आईना कैसे देखेंगी? अरे हम आंख की नहीं नाक की बात कर रहे हैं, जाओ। अगर हमारी सांस चल रही होगी ना तो आईने में भाप आएगी। कुछ दिख ही नहीं रहा है, आईना खराब हो गया होगा। इसका बैटरी तो नहीं खत्म हो गया है? आपके घर में बैटरी वाला आईना है? चौथी पास आईने में बैटरी लगती है का? हमको नहीं पता सासू माँ। हमरी शकल का ही नहीं दिख रहा है आईना में। अच्छा देखे, हम तो दिख रहे हैं लेकिन हम तो नहीं दिख रहे ना। भूत होगी तुम्हारी अम्मा। ब्याह के पहले हमें चुड़ैल बुलाती थी, ब्याह के बाद हमें भूत बुला रही है। तेरी इतनी हिम्मत, देख इस चीज़ के। अरे मोरी मैया, बचा लीजिए सासू माँ, अभी अभी तो हमारा ब्याह हुआ है सासू माँ। इसी बात का तो अफसोस है। वैसे तुम्हारे मरने से हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर तुम मर गई ना अभी तो तुम्हारे मौत का इल्जाम हम पर आएगा, क्योंकि तुम्हारी और हमारी नफरत जग जाहिर है। इसलिए काम करो, अलमारी में दवाई और पट्टी रखिए, निकाल के लगा लो, वरना तुम तो मर जाओगी और पुलिस हमको खामखा उठा के जेल में भर देगी। हाँ, भूत की भी पुलिस होती है का? हम सुन लिए, चौथी बार 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 हमको भूत कह रही हो, हम अभी मरे नहीं है। ये राहुल कहाँ रह गया, आया काहे नहीं? है तो हमरा लड़का, मतलब हमरी तरह तेज तर्रार नहीं, एकदम ही ढीला है हर काम में। मम्मी, अरे का हाल बना रखा है? अरे मम्मी काहे बुलायो, जल्दी बताओ। का है कि जल्दी में हो तुम? अरे मम्मी तुम्हें तो बोली कि क्या हाल बना रखा है, नहा के आते हैं, हाल बदल जाएगा। यहाँ तो मौसम भी बदल रहा है। सवेरे अच्छा खासा था, पता नहीं का करके मानेगा। अरे मम्मी, अरे हमरे हाल पे बात कर ले, मौसम के हाल पे बात कर ले, तुम हमें अपना टाइम पास करने के लिए बुलाई होगा। अरे चुप करो तुम, हम बता रहे हैं, इधर आओ सुनो। हार लो और जल्दी से अपने पॉकेट में रख दो। मम्मी,
तुम ही हमारे दिल का हाल समझती हो। कितना सुंदर लगेगा ये हार ट्विंकल के गले में। थैंक यू मम्मी। अरे गला दबा देंगे ट्विंकल का, समझे? अरे ये हार तुम्हारी दुल्हन पहनेगी। अरे पर दुल्हन को तो आप मार दोगी, कैसे पहनेगी? अरे अभी तो आप बोली कि गला दबा देंगे ट्विंकल का। आज जहाँ हमारी बात पकड़ रहे हो तुम, ऐसा है कि तुम तो हमारी आदत जानते हो, अगर ट्विंकल तुम्हारी दुल्हन बनी तो वो पहनेगी ये हार, अगर कोई और बनी तो वो पहनेगी। नहीं नहीं, हम किसी और से शादी नहीं करेंगे। अरे चुप करो बेवकूफ, और छिपाओ इस हार को, छिपा दो। हम तुमको यहाँ तुम्हारी बीवी के बारे में बात करने नहीं बुलाए हैं, इस हार के बारे में बुलाए हैं। सुनो, अब तुम इसको लेके किसी अच्छे गहने की दुकान पे जाओ और ठीक ऐसा ही दूसरा बनवा लो। अरे पर वो तो लाखों रुपया मांगेंगे। नकली बनवाओ, बिल्कुल ऐसा, एकदम सेम टू यू। अरे सेम टू सेम मम्मी, बात तो समझे हो ना तुम। और सुनो, नकली वाले पे सोने का पानी चढ़ा दो ताकि वो असली लगे। असली और नकली में कतई अंतर नहीं दिखना चाहिए। फिर हम असली वाला अपने पास रखेंगे और नकली वाला अम्मा को दे देंगे। लेकिन आज ही बनवा लो कैसे भी। आज ही कौन देगा मम्मी? ट्विंकल से ब्याह करना है कि नहीं? हम आज ही बनवा लेते हैं मम्मी, अभी जाते हैं। इतनी कीमती सामान नहीं हो तुम कि अलमारी में रखना पड़े, बाहर निकल। करम चली, हम रिसोब की जिंदगी खराब कर अब तुम छिप रही हो, लेकिन हम तुमको चैन से जीने नहीं देंगे। बहुत पीड़ा दी हो तुम हमको। सासुमा, पीड़ा हम तो आज तक किसी को एक पूरा शब्द भी नहीं बोले, पीड़ा तो बहुत दूर की बात है। तो आज तक क्या बार बार चुड़ैल कह के हमको राष्ट्रपति सम्मान दे रही थी? वो तो हम भूल चुकी है, हम उसके लिए माफी मांग तो रहे आपसे। ठीक है, तो हम भी तुमको घर से बाहर निकाल देंगे, तुम्हारा ब्याह तुड़वा देंगे सोम से, और फिर माफी मांग लेंगे। हिसाब बराबर। तो बहुत अच्छा सोच लेती हो, लेकिन थोड़ा लेट सोचती हो। अगर अपने मरने की बात अपने ब्याह के पहले सोची होती तो हमारे सोम की जिंदगी आज बर्बाद होने से बच जाती। घर के सामने ही शमशान था ना तुम्हारे, तो वही किसी चिता में बैठ के स्वाहा हो जाती और हमने दिल से खुशी की आहा निकल। हम सोचे थे कि हमारे बेटे का ब्याह किसी पढ़ी लिखी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली लड़की के साथ करेंगे, लेकिन पलने में पड़ गई तुम। गोबर बीनने वाली हमारे सपनों की चिता बना दी हो तुम। हमको एक मौका तो दीजिए, हम मना करते हैं सासुमा, हम आपके परिवार के लायक बन के दिखाएंगे। हम सोम जी के लायक बन के दिखाएंगे। हमें छोड़ दीजिए सासुमा, वरना हम यहाँ रहे ना तो हम लाश के अलावा कछु नहीं बन पाएंगे, हमें जाने दीजिए। सच सच में जाए सासुमा? झूठ में कैसे जाते हैं? क्या हुआ, पीछे से गिर गई, हमने तो कुछ किया ही नहीं। उसे कहाँ पड़ा है? हमारे अंदर भूतों वाली शक्तियां तो नहीं आ गई?
अरे सुनो, एक बार हमारी धड़कन देखो तो, क्या पता हमारी सासें वापस आ गई हो। जाओ देखो। हाँ जी सासू माँ। ये देखो, पिंक कलर की लेके आए, मम्मी का फेवरेट है। क्या हुआ भैया जी? पता नहीं, मम्मी की पसंद नापसंद हम भूल ही गए थे। बचपन में टॉफी भी लेके आते थे ना, तो दो लेके आते थे, एक हमरे लिए और एक मम्मी के लिए। एक बार तो दादी हमको पजामा दिलवाने ले गई थी, तो हम बोले दो दिलवाइएगा, अरे एक मम्मी के लिए भी लेके आएंगे ना। तुम देखते जाओ, हम फिर से पहले जैसे बन जाएंगे अपनी मम्मी के लिए। अब चलते हैं, मम्मी को सॉरी बोलते हैं, नई शुरुआत करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। खाता में लिख लेना। ये लीजिए भैया। प्यार तो कभी था ही नहीं सोम को हमसे, तभी तो शादी के 24 घंटे हुए नहीं और गौरा के लिए साड़ी खरीद कर लेके जा रहा है। बहुत घमंड है ना रेखा मम्मी जी को अपने बेटे पे। अभी बताते हैं उनको कि उनका बेटा किसी भरोसे के लायक नहीं है। हाँ, सही टाइम पे फोन किए टिंकल। ए कोरा, यहाँ आओ। जी जी। जल्दी फोन उठाओ, हमरे कान में लगाओ। ये कैसे उठाते हैं? अरे ये को ऊपर करो, कान के पास दो। हेलो मम्मी जी। हाँ बेटा टिंकल। हेलो मम्मी जी, आप सुन रही है ना? हाँ हाँ, हम सुन रहे हैं टिंकल। हेलो हेलो, कुछ तो बोलिए मम्मी जी। बोलने के लिए रखा ही का है। हेलो 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 मम्मी जी, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। लगता है टिंकल हमारी आवाज नहीं सुन पा रही। कट गया फोन। रखो। क्या हुआ सासू माँ? आपका पैर 5 रुपए वाली कुल्फी जैसा ठंडा हो गया है। तुम तो सोच में भी गरीब हो, 100 रुपए वाली कुल्फी भी तो कह सकती थी। 100 रुपए का भी कुल्फी होता है सासू माँ? हमें क्या पता, हमारे पास कुल्फी की दुकान है का? आपकी तो साड़ी और गहनों की दुकान है ना। ओ ये लड़की तो पागल कर देगी। चलो रो, डॉक्टर को फोन करो। जी जी जी। मुखा देख रही हूँ मैं। दरवाजा खोलो। जी जी सासू माँ। जाओ। ए, रुक जाओ। जब तक डॉक्टर हमारा चेकअप ना करे, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो कंचनिया और वो बुढ़िया हमको बेहोशी की हालत में ही फूंक डालेंगे। जी जी सासू माँ। बड़ी देर लगा दी किवाड़ खोलने में। किवाड़? चल चल तुम। अरे भूल गई हो का, जिस घर में तुम रानी हो वहाँ की हम नौकरानी है। हाँ हाँ, क्या बात है, काफी परेशान सी दिख रही हो तुम। हम तो ठीक है। तुम इतनी रात को यहाँ का कर रही हो? दिन को रात कह रही हो और बोल रही हो हम ठीक है? हाँ हाँ, वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ का कर रही हो?
हम काफी देर से ढूंढ रहे हैं तुमको। गंगा मालकिन ने नीचे तूफान मचा रखा है कि गौरा का है। कंचन बुआ भी तुमको ढूंढ रही है। वैसे तुम इतनी देर से अपने सासू माँ के कमरे में क्या कर रही हो? एक बहू अपनी अपनी सास के कमरे में क्या करती है? चुगली, सेवा, सेवा। हम अपनी सासू माँ के पैर दबा रहे हैं। गला तो नहीं दबा दिया ना? हो गया इन सबको, जो जाता है वो वापस ही नहीं आता। ए, कंचन को बोले ये हार रख के गोरा को भेज दो, पर वो तो वापस ही नहीं आई। अब वो चंचल को बोले कि जाओ गोरा को भेज दो, ए, गोरा तो आई नहीं। ऊपर से परदेसी की बीवी खुद गायब हो गई। ए, गंगा देवी शुक्ला, ऐसा तो ना है इसे नई बहू के आने से तुम्हारा भौकाल कम समझने लगे हैं जिस सब लोग। हम बताते हैं सबको कहाँ है हम। ये साड़ी देख के ना आंटी जी बहुत खुश हो जाएंगी। सही कह रहे हैं। हेलो बे, देख के बहन जी। हमारी ब्रेक तो लग गई, लगता है इनकी ब्रेक फेल है। बच के जाने ना पाए। आओ, लो बे। अरे मजाक कर रहे थे, तो ऐसे डर गई जैसे कि भूत देख लियो। हाँ, भूत, भूत का? कछु नहीं, कछु नहीं। वैसे का कर रही है तुम्हारी सासू माँ? सो रही है। आओ अंदर आके देख लो, आओ आओ ना। हिम्मत देना नहीं तो तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। नहीं, हम चलते। अगर बड़ी मालकिन ने किसी को भेज दिया तो आफत हो जाएगी। तुम जल्दी से आ जाओ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारी बचपन की सहेली है ना? मोहल्ले में तुम लोग भैंस का गोबर इकट्ठा बीनते थे ना? नहीं सासू माँ, मोहल्ले में सिर्फ भैंस ही नहीं, गाय भी थी। हाय, स्वीकार तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे गोबर नहीं कोई हीरे जवाहरात इकट्ठा करती। सासू माँ, जिस चीज से घर में दो बखत का चूल्हा जले ना, वो चीज हीरो जवाहरात से कम नहीं होती। हाँ ठीक है, ठीक है, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर को फोन किया जी? हाँ। भूल गई ना? हाँ, जाओ फोन लगाओ। जी 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 सासू माँ। गजब, भूतों वाली शक्तियों की जय हो।